उन लोगों ने जितनी 4 साल की स्ट्रगल की है, मेहनत की है ना, तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी अ ह्यूज सक्सेस फॉर इंडिया. हिंदुस्तान है तो उसकी सेपरेशन एक हुई है, जो कि हम सब मानते हैं वो इंडिविजुअल एक कंट्री है, पाकिस्तान इंडिविजुअल एक कंट्री है. हमारी एड में एक बड़ी गलत बात यूज हुई है कि हिंदुस्तान बनेगा पाकिस्तान क्यों. इज ग्रोइंग एंड बहुत ज्यादा वो अपने आप को आगे लेके जा रहा है. एंड अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तानी आवाम ये बात करती है कि इंडिया ने क्या कर लेना लॉन्च करके. चंद्रयान 2 जो है वो लॉन्च हुआ था 2019 में, 2023 मतलब 4 ईयर का गैप उन्होंने दिया है, मेहनत की है, स्ट्रगल की है अपने चंद्रयान 3 मिशन के लिए. अगर हम लोग इकोनॉमी को देखें तो पाकिस्तान इकोनॉमी बहुत ज्यादा वीक हो चुका है, और इकोनॉमी अगर हम लोग देखें इंडिया की और कंपैरिजन करें पाकिस्तान से तो इंडिया ज्यादा बेहतर है. ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी बात है, एक चाइना, रशिया और अमेरिका के बाद अब इंडिया. नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी में अगर कोई मुल्क तरक्की करेगा तो वो अपनी टेक्नोलॉजी और टैलेंट के दम पर करेगा. अब इंडिया के जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है आई थिंक सो वो दुनिया के तीसरे चौथे नंबर पे आ रहे हैं जो कि इंडिया में अब स्टार्ट होने वाले हैं. हम लोग जब बात करते हैं ना, मतलब लाइक आप मैं या हम में से कोई भी जब बात करते हैं ना इंडिया और पाकिस्तान, तो अब वो सूट नहीं करती बात, क्योंकि जब से पाकिस्तान बना है तब से लेके अब तक ये हमारा 23rd प्राइम मिनिस्टर है. हम कहते हैं कि हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक है, कहाँ पे डेमोक्रेसी नजर आती है आपको. एजुकेशन क्वालिटी अच्छा नहीं है. अगर एजुकेशन क्वालिटी अच्छा होता, हमने इंटरेस्ट लिया होता, तो हमें पता होता कि चंद्रयान 3 क्या है. वन ट्राई करते हो ना किसी भी चीज को, आप किसी भी चीज को करने की कोशिश करते हो, 80% सक्सेस आपकी वही होती है. हम प्रेयर्स भी यही कर रहे हैं कि इस बार जो चंद्रयान 3 है वो स्मूथ लैंडिंग करे मून के ऊपर, जैसे स्मूथ लाइक बटर नहीं होता, बिल्कुल वैसी लैंडिंग करे एंड इंडिया अपनी हिस्ट्री बनाए. नमस्कार दोस्तों, एक समय था जब हमारे स्पेस एजेंसी इसरो को कुछ ही देश के लोग ही जानते थे, पर चंद्रयान मिशन के कारण आज पूरी दुनिया इसरो को जानने लगी है. और वही पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी का नाम स्पार्कल है, और पाकिस्तान के लोगों को ही नहीं पता है कि उनके देश में कोई स्पेस एजेंसी है. और वही जब चंद्रयान 2 फेल हुआ था तब पाकिस्तान में चारों तरफ खुशियां ही खुशियां मनाई जा रही थी, पर चंद्रयान 3 लॉन्च होने पर कोई पाक टीवी मीडिया इसकी चर्चा नहीं की. पाक मीडिया को सिर्फ इंडिया के पर ही मजा आता है, पर चंद्रयान 3 लॉन्च होने पर पाकिस्तान की पढ़ी लिखी लड़कियों ने भारत का दिल जीत लिया. तो आइए देखते हैं कि चंद्रयान 3 पर पाकिस्तान की लड़कियां क्या बोल रही हैं. चंद्रयान 3 इट वाज सो यू नो अनप्रेडिक्टेबली ग्रेट मेरे ख्याल में. और अगर हम लोग बात करें वहां के जो डायरेक्टर्स थे उनसे बोला नहीं जा रहा था, मैंने उनकी मतलब वो लाइव जब देख रही थी तो वो लॉन्च हो रहा था एंड दे वर लाइक सो हैप्पी, आंखों में उनके आंसू थे और वो स्माइल कर रहे थे. And it was a, you know, 4 years of hard work and struggle. And finally, Chandrayaan 2 के फेलियर के बाद, फेलियर हम उसको भी नहीं कहेंगे आई थिंक, क्योंकि वो चांद तक तो पहुंच गया था, सिर्फ लैंडिंग का जो था ना वो इशू था. इस दफ़ा उनका प्लान ये है कि वो सॉफ्ट लैंडिंग करवाएंगे, और अगर सक्सेसफुली 23 अगस्त को सॉफ्ट लैंडिंग हो जाती है तो फिर इंडिया वुड बी द 4th कंट्री टू लैंड ऑन द मून. और ऑब्वियसली ऑलरेडी जो है इसरो इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्पेस ऑर्गेनाइजेशन इन द होल वर्ल्ड. एक चाइना, रशिया और अमेरिका के बाद अब इंडिया जो है, मतलब आप खुद देख लेना कि मतलब कितने बड़े बड़े कंट्रीज के साथ इंडिया का नाम अब लिया जाने लगा है. हम लोग जब बात करते हैं ना, मतलब लाइक आप मैं या हम में से कोई भी जब बात करते हैं ना इंडिया और पाकिस्तान, तो अब वो सूट नहीं करती बात, कि जब पाकिस्तान पे बात आती है ना तो हमारे यहाँ पर सिर्फ 3 से 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो स्पेस साइंस का जो है ना वो देते हैं, प्रोग्राम जो है वो ऑफर करते हैं. और मतलब मैं अपनी यूनिवर्सिटी की बात करूँ, मेरे बिल्कुल साथ में जो डिपार्टमेंट है वो स्पेस साइंस का है, एंड इट इज़ पैथेटिक, वहाँ पर कुछ भी नहीं है. मेरे ख्याल में जब आप ट्राई करते हो ना किसी भी चीज़ को, आप किसी भी चीज़ को करने की कोशिश करते हो, 80% सक्सेस आपकी वही होती है. ठीक है, 20 अगर आपको रिजल्ट, आपने तो अपनी पूरी कोशिश की है ना, मतलब आप चंद्रयान 2 जो है वो लॉन्च हुआ था 2019 में, 2023 मतलब 4 ईयर का गैप उन्होंने दिया है, मेहनत की है, स्ट्रगल की है अपने चंद्रयान 3 मिशन के लिए, जितनी मिस्टेक्स, जितना उन्होंने सीखा उसको सीख के अप्लाई किया अपने तीसरे प्रोजेक्ट पे. तो ये सारी सिचुएशन आप खुद देखें. अब सिचुएशन यहाँ पर ये है कि उन्होंने ट्राई किया है ना, ये ऑलरेडी उनकी सक्सेस है. सिचुएशन ये है कि वो लोग इतने ज़्यादा खुश थे, मतलब दे कुडंट इवन स्पीक, उनके वर्ड्स ख़त्म हो गए थे. एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी भी पेरिस में थे तब, उन्होंने भी ट्वीट किया और उन्होंने कंग्रेचुलेट किया. फाइनली जो है चंद्रयान सक्सेसफुली जो है वो लॉन्च हो चुका है, 40 दिन के बाद जो है उसने होपफुली डेफिनेटली उन लोगों ने जितनी 4 साल की स्ट्रगल की है, मेहनत की है ना,
तो डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू बी अ ह्यूज सक्सेस फॉर इंडिया। इंडिया के जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है आई थिंक सो वो दुनिया के तीसरे चौथे नंबर पे आ रहे हैं जो कि इंडिया में अब स्टार्ट होने वाले हैं। और इंडिया की जो आज की जो यूथ है वो उन्होंने अपने एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है। उनको पता है कि जो 10 से 15 साल बाद जो हमारी जनरेशन आएगी वो मास्टर माइंड होगी। से पाकिस्तान बना है तब से लेके अब तक ये हमारा 23rd प्राइम मिनिस्टर है। हम कहते हैं कि हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक है, कहाँ पे डेमोक्रेसी नज़र आती है आपको? सेकंड चीज़ ये कि आज के दौर में भी मदरसा प्रोडक्शन स्टिल अवेलेबल। मैं अक्सर कंडेम करती हूँ कि अपने बच्चों को मदरसा ना भेजें। दीन हर जगह सिखा है, मंदिर वहाँ भी हैं, मस्जिद यहाँ पर भी हैं, उन्हें भी अपने धर्म का पता है, हमें भी अपने दीन का पता है, लेकिन हम अपने बच्चों को ज़मीन पर बिठा के हिला हिला के पढ़वाते रहते हैं। आज तक कोई कुर्सी टेबल उनको हम दे नहीं सके। हम कैसे कंसीडर कर सकते हैं कि वी विल बिल्ड द नेक्स्ट सुपर पावर? कि इमरान खान आया था, आज 3 साल 8 माह तक उनकी हुकूमत रही है, एक भी अच्छा इदारा नहीं बना के गया। इमरान खान को वोट हमारी फैमिली में, मैं भी पश्तून हूँ, इस वजह से दिया था कि उनका जो कॉन्सेप्ट था कि मैं एक तरह का तालीमी निज़ाम लेके आऊँगा। हमने ये नहीं कहा था यहाँ पर पैरिस बना दे, यहाँ पर एयरपोर्ट बना दे, वहाँ पर एयरपोर्ट बना दे। तालीमी निज़ाम सब गरीब और अमीर का बच्चा जब एक लेवल पर पढ़ेगा तो दोनों को अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलेगी। देख लें सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ बच्चा और अमेरिकन स्कूल से पढ़ा हुआ बच्चा, किसको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलेंगी? इंडिया जो है अपने ह्यूमन रिसोर्सेज पे स्पेंड करता है। ये लोग कहते हैं कि इंडिया जंगी चीज़ें खरीद रहा है, फौज पे स्पेंड कर रहा है, वो कहीं ना कहीं लोगों की फलाह के लिए भी काम कर रहा है। और वो लोग टैलेंटेड है तो अमेरिका को उनसे बेहतर कोई नज़र नहीं ना आ रहा। ये कोई रिश्वत वाला तो चक्कर नहीं है कि वो इंडिया की सिंपथी लेने के लिए उनको बिठा रहे हैं। कंट्रोलिंग आनी चाहिए। और ये हम ये नहीं कहेंगे कि पाकिस्तान के बच्चे जो हैं वो डल हैं या वो कुंद जहन के हैं। वजह ये है कि उन्हें अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। हमारी 50 साल वाली किताबें आज ही छप रही हैं, तो आप क्या सोचते हैं? क्या हमारा एजुकेशन क्वालिटी अच्छा नहीं है? अगर एजुकेशन क्वालिटी अच्छा होता, हमने इंटरेस्ट लिया होता, तो हमें पता होता कि चंद्रयान 3 क्या है। 1, 2 तो भूल ही जाओ, चलो 3 का तो हमें पता होता है कि ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिनको ये भी पता होगा कि स्पार्को क्या है एंड इसरो क्या है। आपको ढूंढना पड़ता है लोगों को कि अच्छा आपको स्पार्को का पता है, आपको इसरो का पता है, तो ये काइंड ऑफ एम्बैरेसिंग थिंग होती है कि हमें स्पार्को के नीचे पता, तो इसरो का खाक जाएंगे। सिर्फ नासा का पता होता है। क्यों पता होता है? वो भी एक लाइन मेंशन की होती है हमारी साइंस की बुक्स में कि नासा ये है, वो ये काम करती है, उससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं पता उसका। हमारी हुकूमत की गलती है, हमारा सिलेबस नहीं चेंज करवाते हैं, हमारे बच्चों को नहीं बताते हैं। प्राइमरी में बच्चों को बता देना चाहिए, उनके लिए एक अलग सेशन होना चाहिए इस चीज़ का। इंडिया प्रोग्रेस करते हैं ना तो डेफिनेटली हमें जलन होती है, हमें सीखना चाहिए। हम ऐसे ढीठ लोग हैं, हम सीखते नहीं हैं, हम तंज करते हैं, हम उनके फेल होने का इंतजार करते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि इंडिया को इस बात पर प्राउड होना चाहिए कि पिछली बार जो टेक्निकलिटीज़ आई, टेक्निकल प्रॉब्लम आई, इस बार इंडिया ने बड़ा देखभाल के काम किया कि नहीं ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए। तो हम सिर्फ ये कहते हैं हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, जब करने की बारी आती है हम ठुस हो जाते हैं। वो जैसे 2 रुपये के पटाखे नहीं मिलते, टाइम पर चल जाएगा लेकिन चलते चलते खत्म हो जाता है। यही प्रॉब्लम है कि हमने कभी सीखा नहीं है, ना हमें कभी सिखाया गया है। उनके माइंड्स को इस तरह से ट्रीट किया जाता है कि मुझे ये बड़ी चीज़ लगती है, उन्होंने ना हर चीज़ के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म्स बनाया है। किसी को डांसिंग का शौक है, अलग प्लेटफॉर्म है। सिंगिंग का शौक है, अलग प्लेटफॉर्म है। किसी को IT का शौक है, अलग प्लेटफॉर्म है। किसी को स्पेस का शौक है, अलग प्लेटफॉर्म है। उन्होंने उनके शौक के मुताबिक आपको लेके इंट्रोड्यूस करवाई है चीज़ें। पाकिस्तान का टैलेंट ऐसा है, गली नुकरों में खड़े हो जाओ, लड़कियां छेड़ लो, कोई जा रही है उसको बोल दो आओ हम आपको छोड़ दें। ये नहीं कहना कि चलो घर बैठ के हम कुछ इनोवेट कर लें, कुछ फ्रीलांसिंग वगैरह कर लें, कुछ ऑनलाइन क्लासेस ले लें, कुछ सीख लें। कैसे सीखेंगे जब हमारे हुक्मरानी BA पास भी हैं कि शायद नहीं है, और उनका जो लीडर है वो पॉलिटिकल साइंस कह लें कि ग्रेजुएटेड है, तो काफ़ी डिफरेंस नज़र आता है हम लोगों को। अब इंडिया इज़ ग्रोइंग एंड बहुत ज़्यादा वो अपने आप को आगे लेके जा रहा है। एंड अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तानी आवाम यही बात करती है कि इंडिया ने क्या कर लेना लॉन्च करके, पहले फेल हुआ है, अब भी फेल होगा। तो मेरे ख्याल में कोई पॉजिटिव जेस्चर देना चाहिए आपको दोनों नेशंस को, ताकि कि एक अच्छा मैसेज होता है कि हमने एक चीज़ लॉन्च की है एंड पूरी दुनिया उसको अप्रिशिएट करी है। पूरी दुनिया अप्रिशिएट करेगी लेकिन पाकिस्तानी है वहाँ अप्रिशिएट